हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो वी आर स्टडिंग अबाउट द मेजर पेस्ट ऑफ राइस। हम राइस के कुछ मेजर पेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे राइस का एक बहुत ही मतलब मेजर पेस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेस्ट है, वो है आर्मी ओम। इसको क्लाइंबिंग ओम भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम ही मतलब इसी के ही है, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके साइंटिफिक नेम से। सो इसका साइंटिफिक नेम है माइथिमना सेपराटा। ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आता है और फैमिली है इसकी नॉक्टुरिए। और ये मेनली ये जो ग्रामिनी फैमिली के जो क्रॉप है, जो प्लांट है, उसमें ये होस्ट करता है, सर्वाइव करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में ये हर जगह पे पाया जाता है जहाँ पे राइस ग्रोन होता है, क्योंकि राइस का मेजर पेस्ट है। तो ये राइस उगाने वाली हर जगह पे मिल जाएगा आपको। और इसको हम अब पढ़ेंगे इसकी की आइडेंटिफिकेशन, इसको कैसे हम पहचानेंगे, इसके पहचान करने के कुछ कैरेक्टर क्या क्या है। तो मोथ आर वेरी इन कलर। जो मोथ है, इसके जो एडल्ट है, वो अलग अलग तरह तरह के कलर में पाया जाता है। और हिंड विंग्स आर ग्रे इन कलर विथ डार्क एक्सटर्नल मार्जिन एंड फोर विंग आर ग्रे इस कलर। इसका मतलब है हिंड विंग जो नीचे वाले विंग्स है वो ग्रे इन कलर, ग्रे कलर के होते हैं विथ डार्क एक्सटर्नल मार्जिन। ग्रे कलर के होते हैं पर उसके मार्जिन कैसे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। जो एक्सटर्नल मार्जिन है वो डार्क कलर के होते हैं किसके, हिंड विंग्स के, जो नीचे वाले विंग्स है उसके। और जो फोर विंग है, जो ऊपर वाले विंग्स है, वो क्या होते हैं, ग्रेइश येलो कलर के होते हैं। विंग स्पैन ऑफ 4.5 to 5 cm, 4.5 to 5 cm इसके विंग स्पैन होते हैं। और एंटेना आर थ्रेड लाइक। जो एंटेना है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एंटेना है ऊपर वाले थ्रेड लाइक कुछ धागा जैसा है। और ये हैंड विंग्स और फोर विंग्स के भी आप डिफरेंस देख सकते हो इसमें। सो एडल्ट इसका आर्मी ओम का एडल्ट कुछ इस तरह का दिखता है गाइज। और उसके बाद है फ्रेशली इमर्ज लार्वा इज एक्टिव। जो लार्वा है मतलब एक से लार्वा होते हैं, वो बहुत ही एक्टिव होता है। और उसका कलर कैसा होता है, डॉल वाइट कलर का होता है। यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो, इसका जो लार्वा डॉल वाइट कलर का होता है और बाद में क्या होता है, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है, ग्रीन टू पिंक कलर में बाद में चेंज होता है। पहले ये थोड़ा डॉल वाइट कलर का होता है और बाद में जो जब बड़ा होगा तब ग्रीन टू पिंक कलर में चेंज होगा। और उसमें क्या पाई जाएगी, 3 strip आर ऑन द लैटरल साइड इज सीन। इसके जो साइड है उसमें 3 तरह के स्ट्रिप्स, जो लाइन है वो दिखा जाएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं आप, स्ट्रिप है वहाँ पे, ये थोड़ा ग्रीनिश टू पिंक कलर का होगा बाद में। और उसके बाद है लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल हम अच्छे तरह से इसको डिस्कस करेंगे। जो फीमेल है वो क्लस्टर में एक ग्रुप में एग लेइंग करता है। अप्रोक्सीमेटली 500 eggs, एक फीमेल एक लाइफ साइकिल में 500 तक के एग लेइंग करता है। और एग लेइंग कहाँ करता है, ड्राई और ग्रीन लीफ और इन द सॉइल, या मिट्टी में, या फिर जो सूखे पत्ते में, या फिर हरी पत्ते में, कहीं पे भी ये एग लेइंग करता है। और एग लेइंग करने की कई बार क्वेश्चन आता है कि आर्मी वर्म कहाँ पे एग लेइंग करता है, तो ये एग लेइंग करता है सॉइल में या फिर हरी और सूखे पत्ते में, किसके, राइस के या फिर ग्रामीण फैमिली के। और उसके बाद है इनिशियली देयर एग आर राउंड इन शेप, लाइट ग्रीनिश इन कलर, देन लेटर अपीयर ब्लैक इन कलर। इसके जो एग है वो राउंड शेप के होते हैं, पहले जो एग है वो लाइट ग्रीनिश कलर के होते हैं, फिर बाद में ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। जैसे लार्वा पहले कैसे होता था, थोड़ा व्हाइट, डॉल व्हाइट कलर का होता था इसका लार्वा, फिर बाद में ग्रीनिश टू पिंक कलर में चेंज हो जाता था। ऐसे इसके जो एग है वो ग्रीनिश कलर के होते हैं पहले, फिर बाद में ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो एग पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 11 दिन का होता है समर में, और विंटर में अराउंड 18 days का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एग पीरियड होता है। उसके बाद एग हैच होगा, तो हैचिंग के बाद क्या होगा, लार्वा आएगा। लार्वा कैसे होगा, लार्वा डॉल व्हाइट कलर का होगा, फिर बाद में ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ये तो पहले भी मैंने बता दिया। और उसके बाद लार्वा पीरियड कितना होगा, कितने दिन तक लार्वा रहेगा, 13 से 14 दिन तक समर में, और 88 टू
100 डेज तक विंटर में इसका लार्वा सर्वाइव करेगा। उसके बाद लार्वा के बाद फिर प्यूपा आएगा, और प्यूपा तो एक रेस्टिंग पीरियड होता है, तो ये सॉयल में कुछ डिप्थ बना के 15 से 60 सेंटीमीटर डिप्थ में ये रेस्ट करेगा सॉयल में। तो इसकी मैनेजमेंट में हम क्या लिखेंगे, प्लोइंग करना, डीप प्लोइंग लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्यूपा है तो उसको डैमेज करने के लिए। और प्यूपा पीरियड होता है 9 से 13 दिन का होता है समर में, और जो विंटर में 36 टू 48 डेज का इसका पीरियड होता है। प्यूपा तब तक के लिए रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। फिर उसके बाद एडल्ट रिमेन अबाउट 1 to 9 days। जो एडल्ट है प्यूपा के बाद क्या होगा, एडल्ट होगा, एडल्ट 1 से 9 दिन तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद मर जाएगा। फिर इसके टोटल लाइफ साइकिल जो है वो 35 to 49 days में कंप्लीट होगी, और इसके ये 1 year में 5 generations कंप्लीट करेगा, और इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, क्योंकि ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आता है। मैंने पहले भी सब जितने भी वीडियो मैंने बनाए उसमें सब में बोल दिया है मैंने कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो पेस्ट होते हैं उसको क्या होता है, जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट होता है, और डैमेजिंग स्टेज को हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डैमेज सिम्टम में, सो कैटरपिलर हम लार्वा नहीं बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे। तो कैटरपिलर आर द डैमेजिंग स्टेज, कैटरपिलर ही इसको राइस को सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा। तो कैसे डैमेज करेगा, क्या क्या करेगा हम यहाँ देखेंगे, कितना यील्ड लॉस करेगा। सो फर्स्ट में इन अर्ली स्टेज दे फीड ऑन टेंडर लीव्स एंड एज दे ग्रो दे कंज्यूम ओल्डर लीव्स कंप्लीटली स्केलेटोनाइजिंग देम। इसका मतलब है पहले क्या, किसको फीड करेगा, टेंडर लीव्स खाएगा पहले, फिर जब ग्रो होगा वो ओल्डर लीव्स को भी कंज्यूम करेगा। कहने का मतलब है पहले जो यंग लीफ है, ऊपर वाले लीफ है उसको खाएगा, फिर बाद में वो नीचे वाले जो ओल्डर लीव्स है राइस के वो सबको कंज्यूम करेगा, और एकदम लीफ सारे ख़त्म ही कर देगा, कोई भी एक भी लीफ वहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे आप फिगर में देख सकते हो किस तरह से इसने अटैक किया है, नीचे फिगर में दिखाया गया है, साइड वाला फिगर में पूरा एक भी पत्ते नहीं बाकी है वहाँ पे, सब खा दिया इसने। और उसके बाद है द लार्वा नॉट ओनली फीड ऑन द लीव्स बट ऑल्सो डैमेज द इन्फ्लोरेसेंस। जो इन्फ्लोरेसेंस है राइस के उसको भी पूरा डैमेज कर देगा है। और उसके बाद है फेकल प्लेट ऑफ ग्रोन अप कैटरपिलर आर क्वाइट प्रोमिनेंट। यहाँ फर्स्ट वाले फिगर में आप देख सकते हो यहीं पे खा के जो इसका वेस्ट मटेरियल है यहीं पे बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और उसके बाद है इन सीवर इन्फेस्टेशन होल लीफ ईटन अप एंड फील लुक्स ग्रेज बाय कैटल। जब ये सीवरली अटैक करेगा, इसकी जो सीवर इन्फेस्टेशन होगा तो क्या होगा, वो पूरा पत्ते तो ये पहले ही खा चुका है, पत्ते तो पहले खा देगा, फिर उसके बाद पत्ते खाने के बाद वहाँ पे किसी मतलब एनिमल ने जो ग्रेज किया है उस तरह का दिखेगा फील्ड पूरा। फिर दे मैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टू माइग्रेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। आर्मी वर्म कैसे माइग्रेट करता है वन प्लांट से एनदर प्लांट में, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के माइग्रेट करता है, कुछ थ्रेड जैसा छोड़ के माइग्रेट करता है। ये इसका यूनिक पैटर्न है माइग्रेट करने का, एक पेड़ से मतलब एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में जाने का। तो ये रहा डैमेजिंग सिम्टम। अब हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, इसके मैनेजमेंट देखेंगे हम। तो पहले तो ये कल्चरल मैनेजमेंट करेंगे, सबको पता ही है। तो हैंड पिकिंग ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर को हाथ से पिक करके उसको हम कहीं दूर लेके डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद फ्लोडिंग टू किल कैटरपिलर टू अबाउट टू अंडर गो प्यूपेशन एंड अंडर ग्राउंड प्यूपा। फ्लोडिंग कर देंगे, पूरा पानी से भर देंगे खेत को, जो फील्ड है उसको, राइस का फील्ड को पूरा पानी से भर देंगे। तो क्या होगा, जो जितने भी कैटरपिलर या फिर लार्वा वहाँ पे गिरेंगे वो पूरा पानी में गिरने से वो मर जाएंगे। और जो प्यूपा क्या होता है, सॉइल के डिप्थ में 15 से 20 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर डिप्थ तक प्यूपा इसका रेस्ट करता है ना, तो पूरा फ्लोडिंग कर देंगे, पूरा पानी से भर देंगे फील्ड को, तो क्या होगा, प्यूपा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जितने भी कैटरपिलर है वहीं पे गिर के ये भी मर जाएंगे। उसके बाद इसका एडल्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ईगलिंग नहीं करेगा तो फर्दर इसका जेनरेशन भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसका ये रीजन है। तो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, द पेस्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द कैटरपिलर।
यही है जो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। तो पेस्ट के जो पॉपुलेशन है उसको हम कैसे कम करेंगे, कलेक्टिंग उसके जो कैटरपिलर है उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करके उसका पॉपुलेशन जो है वो कम करेंगे, और जो कैटरपिलर से होने वाले जितने भी डैमेज है राइस के फील्ड में उसको भी हम कम कर सकते हैं। और उसके बाद है जो कई केमिकल या फिर पेस्टिसाइड भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर मतलब इल्डलस ज़्यादा ही हो रहा है किसी तरह से भी ये मैनेज नहीं हो रहे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल या फिर पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट में है डस्टेड विथ 5% मैलाथिन, जो मैलाथिन है उसके जो 5% मैलाथिन हम फील्ड में डस्टिंग करेंगे। और सेकेंड में स्प्रे 500 ml ऑफ डाइक्लोरोफोस और 3 kg ऑफ कार्बाइल, कुनाइलफोस, ये सब इसके जो केमिकल एक तरह के पेस्टिसाइड्स हैं उनको हम यूज करेंगे, उनके रिकमेंडेड डोज के आधार पे हम उसको यूज करेंगे, ताकि हम जो पेस्ट है आर्मी वर्म से होने वाले जितने भी डैमेज है, जितने भी इल्ड लॉस है, इकोनॉमिक लॉस है, उसको बचाने के लिए हम अंततः ए केमिकल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ए पेस्ट को हम कंट्रोल करेंगे। सो गाइज, दिस मच अबाउट द आर्मी वर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।